Reacting to Sushmita Dev joining the TMC today, party's youth wing chief Sayoni Ghosh said that they are ready to join hands with anyone who wants to remove Narendra Modi and the BJP from the seat of power in Delhi. देखिए हम तो हमेशा बोलते हैं कि जिसको भी मोदी के विरुद्ध लड़ना है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ आ जाए क्योंकि दीदी इज दी ओनली फियर्स ऑपोजिशन वी हैव और मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो वो दीदी से ही डरते हैं ये सबको ही पता है पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा होती है तो अगर किसी को लगता है कि बीजेपी को इस देश से हटाना है और ममता बनर्जी एक ऐसी ऑपोजिशन है जो ये करने में सक्षम रहेंगी तो कोई भी आ सकता है हम सबके साथ काम करना चाहते हैं लेकिन ऑफ कोर्स एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस रहता है अब देखिए हम तो खरीद नहीं सकते हमारे पास उतना पैसा नहीं है बीजेपी जैसा कि आप MLA खरीद लीजिए आप ये खरीद लीजिए मेंबर्स खरीद लीजिए लेकिन अपने मन से कोई समर्थन दिखा के मोदी जी को फाइट करने के लिए अगर कोई तृणमूल आना चाहता है आई एम श्योर द सीनियर लीडरशिप विल टेक देम इनटू कंसीडरेशन. Well, Ghosh also said that Mamata Banerjee is the only leader in the country who can challenge the might of Narendra Modi and the TMC has the potential to play the role of a strong opposition on the central level. अभी सबको इस पूरे देश में सबको पता है कि ममता बनर्जी कौन है ममता बनर्जी क्या चीज़ है और अगर हम लोग आज सोचते हैं कि मोदी के विरुद्ध अगर कोई बात करता है कोई ऑपोजिशन है जो फियर्स है दैट इज़ ओनली ममता बनर्जी और पूरे देश को ये समझ में आ गया है इसीलिए आज ऑपोजिशन यूनाइट हो रहे हैं और ममता बनर्जी को लीडिंग लेडी या फ्रंट लाइन में रख रहे हैं क्योंकि शी हैज़ द केपेबिलिटी ऑफ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तो आज मैं उनकी संगठन कर रही हूँ युवा संगठन कर रही हूँ उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया है और बंगाल में हम लोगों का जो संगठन है बहुत ही सख्त है हमारे युवा जो वहाँ पे है बहुत पैशनेटली डेडिकेटेडली पार्टी के लिए काम करते हैं कॉमन मैन के लिए काम करते हैं और यहाँ पे भी यही मेरा विश्वास है कि आज जब हम लोग त्रिपुरा के मिट्टी में पैर डाल दिया है तो आगे जाके जो जन समर्थन है लोगों का प्यार है जो विश्वास है ममता बनर्जी के लिए वही हम लोगों के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगा डजेंट मैटर कि क्या हम पे हमले हुए डजेंट मैटर लोग हमको क्या बोल रहे हैं डजेंट मैटर बीजेपी यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही है लेकिन ममता बनर्जी का संगठन यहाँ पे होके रहेगा और युवा सिर्फ मैं नहीं मेरे साथ जो जो है मेरे संगठन में जो जो है ये सब ग्राउंड लेवल से काम करेंगे त्रिपुरा के हर इंसान तक पहुँचेंगे और यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार होगी और हम सारे लोगों के पास रहेंगे.